सुप्रभात। सर्वप्रथम मैं फ्रेंचाइज ग्रुप इंडिया ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस सम्मेलन के लिए उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। और मैं इस अवसर पर कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा, जिससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में भी कहा जा सकता है। और मैं आपको यह अवगत कराना चाहूँगा कि मेरा मंत्रालय समाज के संवेदनशील वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, पारालिंगी, ट्रांसजेंडर्स, नशीले पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ित व्यक्ति तथा शारीरिक और मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के उत्थान के प्रति समर्पित है। सरकार हमारे लक्षित समूह की बेहतरी के लिए विभिन्न कदम उठा रही हैं। हम हमारे लक्षित समूह के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं, अधिनियम तथा नीतियां संचालित करते हैं। शैक्षणिक सहायता हेतु कुछ योजनाएं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो हमारे इस मंत्रालय की तरफ से चलती हैं। कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक के जो अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं और अस्वच्छ व्यवसाय में जो लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व योजना, अनुसूचित जाति तथा आपके भी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर योजना है, जिसमें कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं तक जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए योग्यता का उन्नयन और भारत के चयनित उच्च श्रेणी जो संस्थानों हैं, जैसे IIT, IIM, एम्स इत्यादि में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु उस श्रेणी की शिक्षा योजना है। विदेशी विद्यालयों में भी अध्ययन करने के लिए गरीबी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्र परीय छात्रवृत्ति जैसे विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं अपने यहाँ हैं। दूसरा है CIT, CMT, UPSC, PCS इत्यादि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु अनुसूचित जाति तथा आप युवा विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना भी है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जिसका उद्देश्य मिडिल स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं को आवासीय सुविधाएं प्रदान करना, ताकि ये बीच में शिक्षा ना छोड़ सके तथा सामाजिक उत्थान के लिए भी हमारे यहाँ निम्नलिखित अधिनियम और नीतियाँ हैं। सिविल अधिकार संरक्षण PCR अधिनियम 1995। दूसरा है अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ अत्याचार अधिनियम सन 1989। तीसरा है हाथ से महिला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धजन सामयिक कार्यक्रम, विकलांग व्यक्ति जो समान अवसर अधिकार संरक्षण
तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 आर्टिज्म प्रामुष्टिक्स अंगघात मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को एक कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 और इसके अलावे हमारे लक्षित समूह के आर्थिक विकास हेतु कैसे उसका स्वावलंबन उसका विकास हो सके हमारी निम्नलिखित योजनाएं चलती हैं। विशेष केंद्रीय सहायता योजना जिसके अंतर्गत लघु उद्यम स्थापित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है PMAGY या 1,000 अनुसूचित जाति बहुल्य ग्रामों के सामुचित विकास के लिए मार्च 2010 में प्रारंभ की गई एक प्रायोगिक योजना है। इसके अंतर्गत 5 राज्यों नामता असम में 100 ग्राम है 100 गांव है बिहार हिमाचल प्रदेश राजस्थान तथा तमिलनाडु प्रत्येक में 225 गांव में इन चयनित ग्रामों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है चुनिंदा ग्रामों का समेकित विकास मूलतः मौजूदा केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं के सम्मिलित योजनाओं सम्मिलित कार्यान्वयन के माध्यम से मूलतः चुनिंदा ग्रामों की ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उक्त के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती के लिए हम 20 लाख की प्रति ग्राम औसत आधार पर राज्यों द्वारा समान योगदान प्रदान करने की संभावना के साथ अंतरपूर्ति केंद्रीय सहायता के माध्यम से करना है। इस योजना के दिशा निर्देशों में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों CSR का उल्लेख किए कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा कुछ PMGY ग्रामों को उनके त्वरित समग्र विकास के लिए भी अपनाया जाए। तथापि चूंकि यह भारी भरकम कार्य है इसलिए सरकार को औद्योगिक जगत की आवश्यकता है और वह उनकी सहायता का स्वागत करती है। हम सब मिलकर बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो हम व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। इस संदर्भ में मैं संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 का उल्लेख करना चाहूँगा जिसमें निर्दिष्ट कंपनियों के लिए 3 तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के एक भाग के रूप में खर्च करने की बाध्यता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधान न होने के बावजूद टाटा बिड़ला अंबानी कुछ अन्य औद्योगिक घरानों तथा जन कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती रही हैं। अब यह प्रावधान कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे लक्ष्य समूहों को उद्योग जगत द्वारा और अधिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। मैं यहाँ पर उपस्थित कंपनियों से अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़ा वर्गों वरिष्ठ नागरिकों ट्रांसजेंडरों दवा व्यवसायियों तथा विकलांग व्यक्तियों इत्यादि के विकास के लिए CSR निधियों से निधियाँ उद्दिष्ट करने का अनुरोध भी करना चाहूँगा।
अब मैं उन कार्यकलापों के कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जहाँ कंपनियाँ समाज के इन अलाभावित वर्गों के लिए अपनी CSR निधि का उपयोग कर सकती है। शीर्षस्थ उद्योग मंडलों CII फीकी और एसोचैम का सकारात्मक कार्रवाई के क्षेत्र में विभिन्न पहल कदमियाँ कर रही हैं। कुछ उदाहरण हैं, उन्नयन हेतु उन्हें अपनाना, SC ST लाभार्थियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, कोचिंग छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना, उपस्थित कंपनियों द्वारा ऐसी प्रथाओं को अपनाया जा सकता है। समस्त देश में वृद्धाश्रम और नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों और नशीली दवा के व्यसनियों के पुनर्वास के लिए इन केंद्रों पर औद्योगिक जगत द्वारा मूलतः कतिपय सुविधाएं प्रदान करके ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जो इन केंद्रों द्वारा पूरी की जा रही है, मूल आवश्यकताओं के अतिरिक्त होगी। निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को खोज किया जा सकता है, यदि उनके लिए कुछ स्वास्थ्य शिविर और मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा सके। इसी प्रकार शारीरिक कार्यकलापों के लिए अवसंरचना के प्रावधान से नशा मुक्त हो रहे व्यसनियों के पुनर्वास को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। कौशल विकास पहलुओं पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, फिक्की, CII, एसोचैम अलाभावित समूहों के चुनिंदा युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। यह सेवाकालीन प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में विभिन्न कार्यकलापों के लिए अपेक्षित कौशलों के आलोक में दिया जाता है। मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित कंपनियाँ कौशल विकास के इस पहलू पर गौर करें और समान कौशल प्रशिक्षणों के लिए अवसर प्रदान करें। राष्ट्रीय न्यास हमारी ऐसी संस्था है जो अति विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य करती है। राष्ट्रीय न्यास में दिए जाने वाले दान पर 100% टैक्स में भी छूट है। यहाँ CSR निधिकरण के साथ दान भी दिया जा सकता है। इस दिशा में उद्योग जगत द्वारा किया गया प्रयास समाज की इन कमजोर वर्गों के जीवन में बड़ा भारी अंतर उत्पन्न करेगा और उनके उत्थान के परिणाम स्वरूप समग्र रूप में समाज का उत्थान होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी लोगों के सहयोग से और मैं अधिक और कुछ न कहते हुए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को देते हुए मैं अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।